हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन, फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुक्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म नाम चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूरी वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। दिव्यश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा डोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है इसका अगली सिक्वल। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मजदूर और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भगवत सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडेल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक
2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महत्वपूर्ण परियोजना के लिए हमें भर्ती और वंशी पेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यमीन मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-NIMBY 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महिपू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होमेडे के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयु यम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नुत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रुबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंडट्रैक की प्रशंसा की लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक
दियाडी मुजुक ओ जो अंत मंगलम श्रीमुख उखाड़न फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एस पी भवा सिंह शेखावत के रूप में फसल एकम अहंकारी अधिकारी जो पुष्पम द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिकामंदना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी पल्लिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यवीन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-EMBM 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुक्तम सेट्टी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। दिव्यश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा डोजिक और कार्तिका
श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राय नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भोबा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक तीन 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी पल्लिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यवीन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे स्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया, पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में, तो स्टार इंडिया नेटवर्क्स की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए, और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन, फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने उत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म नाम चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा डोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारे तो मिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भोबा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडिल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडिलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक
2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महत्वपूर्ण परियोजना के लिए हमें भर्ती और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS निम्बिन 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अल्लू अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की नई फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयु यम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुक्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेचाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक
दियाडी मौजूद और जो अंतत मंगलम सिल्मों को उखाड़न फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एस पी भगवा सिंह शेखावत के फसल एवं अहंकारी अधिकारी जो पुष्पम द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली। वो अप्रैल 2019 में मध्यवीन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-36 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अनुरोजन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म नाम चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाचलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका
श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राय नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है इसका अगली सिक्वल। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंततः मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दम कार्य व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी पेदी परिदिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया, पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी अनुरोजन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में, तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए, और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है कुछ पादर है। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पादर है पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन, फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुक्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा डोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेथुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पाधर नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मजदूर और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडेल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक
2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महत्वपूर्ण परियोजना के लिए हमें भर्ती और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यवीन मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अनुर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होमेडे के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की नई फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नुतम सेट्टी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो
अंतत मंगलम श्रीमुकुल उखाड़न फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एस पी भवा सिंह शेखावत के रूप में फसल एवं अहंकारी अधिकारी जो पुष्पम द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक तीन 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यवीन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाचलम पहाड़ों में उगती है। दीपी श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ड्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है।
फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। अभी बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द रो नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीमु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़ी करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकारी व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यमीन मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी में अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में, तो स्टार इंडिया नेटवर्क्स की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए, और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है
कुछ बातें रहे इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पता राइज पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयू यंग भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नूतन सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा डोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राव नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंततः मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भगवत सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडे के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़ी करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दम कालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न
प्रसन्न करने वाले महत्वपूर्ण पुरुष न के लिए हमें भक्ति और वंशी वेदी पल्ली की योजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यवीन मूर्ति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म योजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार मोहित बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होमेडे के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नूतन सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मजदूर और जो अंततः मंगलम श्रीनु को
उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भगवत सिंह शेखावत के रूप में फसल एवं अहंकारी अधिकारी जो पुष्पम द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी पेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस पर परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म नाम चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। दीपश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रुबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में
अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। अभी बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमाटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राव नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है इसका अगली सिक्वल। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंततः मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भोबा सिंह शेखावत के रूप में फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडित लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकारी व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 की में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे स्थायी रूप से SS-NIMBY 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी में अल्लू अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क्स की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा।
तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव, रमेश और धनंजय, अनुयु यम, भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नूतन सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के हृदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेचाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा ड्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारे तो मिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भोबा सिंह शेखावत के रूप में फहद फासिल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडिल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडिल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक नुनोटी 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और
वंशीन पेदी पल्लिन की योजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मिलती मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म योजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से एसएस निम्बिन 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार मोहित बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम एंडे के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट वन एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयु यम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने उत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंडट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंडट्रैक की प्रशंसा की लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी की कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मजदूर और जो अंतत मंगलम श्रीनों को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी
भोबा सिंह शेखावत के रूप में फसल एवं अहंकारी अधिकारी जो पुष्पम द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़ी करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकारी व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक टीम 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यवर्ती मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुक्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म नाम चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूरी वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। दीपश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ड्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रुबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2019
20 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 अप्रैल 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमाटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की। लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द रो नामक एक सिक्वल निर्माणधारित प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मजदूर और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भगवत सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडिल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दम कार्य व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक तीन 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी पल्लिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे स्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी में अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में, तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की
भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन, फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नूतन सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राव नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंततः मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडेल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दम कालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेशभूम परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी पेदी पल्लिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के
शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली। और अप्रैल 2019 में मध्य में मिर्ती मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म योजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महिपू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया, पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अलोजन को लिया गया था। कोई बात करें मूवी के होमेडे के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए, और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने उत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है, और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा दोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वहीं बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल कोई बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मजदूर और जो अंततः मंगलम श्रीमों को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। SP भोबा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा
द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना, श्रीवल्ली, पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडल लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यमीन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुत्तम सेट्टी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाचलम पहाड़ों में उगती है। दिव्य श्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ड्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रुबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म
फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की। लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राय नामक एक त्रिपल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है इसका अगली सिक्वल। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंततः मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। इस टीम भगवत सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकारी व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक नुमती 2014 की में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यमीन मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS-NIMBY 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मीडिया के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को
फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनयु यम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नूतन सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारे तो मिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राव नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंततः मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडिल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडिलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दम कालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक मिनोटी 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी पेदी परिजन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में
मिर्ती मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS निम्बिन 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार मोहित बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया, पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अल्लू अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होमेडे के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की नई फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए, और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नुतम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है, और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा डोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रुबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनों को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। SP भगवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः
प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना, श्रीवल्लीम, पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में हैं। केशव उर्फ मुंडिल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़े करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडिलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी पल्ली की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यमिन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जबकि जगदीश प्रताप भंडारी सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने उत्तम सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म नाम चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूरी वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाचलम पहाड़ों में उगती है। दीपश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा डोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया।
मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 अप्रैल 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमाटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की। लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राव नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है इसका अगली सिक्वल। वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भगवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मंडिल गुरु के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़ी करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मंडलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दमकारी व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी पेदी पल्लिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्य में मृत्यु मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण इस मूवी में अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क्स की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ
टिटुलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने नूतन सिटी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूरी वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेषाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्लाव कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारे तो मिली जंगल में हो रहा है। वही बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आज आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राव नामक एक सिक्वल निर्माणधारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन, एक दिहाड़ी मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। एसपी भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल, एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है। रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली पुष्पा की मंगेतर और अंतमी पत्नी के रूप में है। केशव उर्फ मुंडेल के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के बड़ी करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडेलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ सुनील मंगलम श्रीनु के रूप में एक दम कालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखाड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई, जिसके साथ उन्होंने पहले एक नुनोटी 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी वेदी परिदिन की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यम में मृत्यु मूवी मेकर्स, जिन्होंने अपनी
पिछली फिल्म रंगस्थलम ने सुकुमार के साथ सहयोग किया था। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म योजना की घोषणा की, जिसे अस्थायी रूप से SS 26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार मोहित बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया, पर बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी में अल्लू अर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होम मेड के बारे में, तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर, जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिग्रहित किया गया था, हासिल कर लिए, और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में, जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द राइज। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक 2021 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें अल्लू अर्जुन को फहद फसल और रश्मिका मंदाना के साथ ट्यूटलर कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि जगदीश प्रताप भंडारी, सुनील राव रमेश और धनंजय अनुयम भारद्वाज, अजय और अजय घोष ने सहायक भूमिका निभाई है। इसका निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स ने मुक्तम सेट्टी मीडिया के साथ मिलकर किया है। दो सिनेमाई भागों में से पहला फिल्म लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट में एक कम मजदूर वाले मजदूर के उदय को दर्शाता है, और एक दुर्बल लड़की जो केवल आंध्र प्रदेश राज्य के लकड़ी जो आंध्र प्रदेश के राज्य के शेचाजलम पहाड़ों में उगती है। देवीश्री प्रसाद ने फिल्म के स्कोर और साउंड ट्रैक की रचना की, जबकि छायांकन और संपादन क्रमेश मिरोस्ला कुबा ब्रोजिक और कार्तिका श्रीनिवास रूबेन द्वारा किया जाता है। फिल्म ने दिसंबर 2019 में अपना निर्माण शुरू किया, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी द्वारा रोक दिया गया था। फिल्मांकन नवंबर 2020 में फिल्म फिर से शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हो गया। मुख्य रूप से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी और आंध्र प्रदेश में मारेकुमिली जंगल में हो रहा है। अभी बात पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर मिश्रित समीक्षा मिली, जिन्होंने प्रदर्शन एक्शन सीक्वेंस और सिनेमेटोग्राफी दर्शन और साउंड ट्रैक की प्रशंसा की, लेकिन इन रन टाइम्स और संपादन की आलोचना की। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर 350 से 373 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म 2021 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी और अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शुमार है। पुष्पा द राइज नामक एक सिक्वल निर्माण धारित मतलब प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसका अगली सिक्वल वही बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पुष्पा राज के रूप में अल्लू अर्जुन एक DID मौजूद और जो अंतत मंगलम श्रीनु को उखाड़ फेंकने वाले सिंडिकेट का प्रबंधन करता है। SP भवा सिंह शेखावत के रूप में फहद फसल एक अहंकारी अधिकारी जो पुष्पा द्वारा उसका अपमान करने के लिए अपमानित किया जाता है और अंततः प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की कसम खाता है।
रश्मिका मंदाना, श्रीवल्ली, पुष्पा की मंगेतर और अंतमीन पत्नी के रूप में हैं। केशव उर्फ मुंडिल, लू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी, पुष्पा के बड़ी करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। केशव उर्फ मुंडिलू के रूप में जगदीश प्रताप बंदरी, पुष्पा के करीबी सहयोग जो उसके हर कदम पर उससे जुड़े हुए हैं। किशोर उर्फ सुनील मंगलम, श्रीनु के रूप में एक दमकालीन व्यक्ति जो सिंडिकेट का प्रबंधन करता है और अंततः पुष्पा द्वारा उखड़ा फेंका जाता है। वही बात करें उनके प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो रंगस्थलम 2018 की सफलता के बाद सुकुमार ने महेश बाबू को एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसके साथ उन्होंने पहले एक 2014 के में काम किया था। कहानी संपन्न प्रसन्न करने वाले महेश बाबू परियोजना के लिए हामी भर दी और वंशी पेदी पल्ली की परियोजना मार्च 2019 को पूरा करने के बाद शेड्यूल शुरू करने की सूचना मिली और अप्रैल 2019 में मध्यमीन मृति मूवी मेकर्स जिन्होंने अपनी पिछली फिल्म रंगस्थलम में सुकुमार के साथ सहयोग किया था ने आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की जिसे अस्थायी रूप से SS-26 के रूप में शीर्षक दिया गया था। इस प्रकार महेश बाबू और सुकुमार के साथ उनके दूसरे सहयोग को चित्रित किया और बाद में उनके शेड्यूल के कारण मैं इस मूवी अल्लूर्जुन को लिया गया था। वही बात करें मूवी के होममेड के बारे में तो स्टार इंडिया नेटवर्क की ने फिल्म के उपग्रह अधिकार हिंदी संस्करण को छोड़कर जिसे गोल्ड माइंस टीवी द्वारा अधिकृत किया गया था हासिल कर लिए और जबकि अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए। फिल्म की स्ट्रीमिंग 21 दिन बाद अमेजन प्राइम वीडियो के माध्यम से 7 जनवरी 2022 को शुरू में जबकि हिंदी संस्करण की स्ट्रीमिंग 14 नवंबर 2022 में शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।